हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पवन रिसर्च सेंटर भिलाई में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं जोमैटो में काम करता हूं और जोमैटो से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूं। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बहुत से भाई लोग ये सवाल पूछते हैं कि जोमैटो डिलीवरी बॉय को ट्रैफिक पुलिस रोकती है या नहीं रोकती है। तो दोस्तों, आज मेरे साथ एक वाकया हो गया कि आज मैं जोमैटो में ऑर्डर छोड़ने के लिए जा रहा था। दोस्तों, ऑर्डर छोड़ने के लिए मैं जा रहा था नेहरू नगर से दुर्ग। तो दोस्तों, रास्ते में ट्रैफिक पुलिस वाला मुझे दूर से ही दिख गया था। तो जैसे ही ट्रैफिक पुलिस वाले ने मुझे देख लिया और मुझे रोक लिया, तो मैंने उनसे कहा, सर कि मैं ऑर्डर में हूँ और ऑर्डर देने के लिए जा रहा हूँ, बहुत जल्दी में हूँ करके। तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक्चुअल में पहले तो मैं घबरा गया था कि ट्रैफिक पुलिस ने रोक दिया है, अब चालान बनेगा और कम से कम 1000-2000 का तो चालान कट जाएगा मेरा, क्योंकि दोस्तों हेलमेट मैंने पहना हुआ था, ठीक है, और मेरे पास बाइक का पोल्यूशन पेपर भी है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, लेकिन बाइक का जो इंश्योरेंस पेपर मैंने ही रखा हुआ था दोस्तों। तो मैं समझ गया था कि चालान तो कटेगा आज, लेकिन फिर भी मैंने स्थिति को संभालते हुए मैंने ट्रैफिक पुलिस वाले से कहा कि सर मैं ऑर्डर में हूँ, जोमैटो में काम करता हूँ और बहुत जल्दी में हूँ सर, कस्टमर का बार बार फ़ोन आ रहा है ऑर्डर के लिए। तो उन्होंने मुझसे बस इतना कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दो फिर चले जाना। तो मैंने अपनी जेब से ड्राइविंग लाइसेंस निकाला और उन्हें दिखा दिया और उन्होंने फिर मुझे जाने दिया, ठीक है दोस्तों। उन्होंने बस ड्राइविंग लाइसेंस देखा और मुझे जाने दिया। तो भगवान का शुक्र है दोस्तों कि आज मेरा चालान नहीं कटा, नहीं तो जो भी मैं पैसा कमाया था वो सब चले जाता, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा लेकिन हमेशा नहीं होता है, आप कभी भी रोड पर गाड़ी चलाएँ, जोमैटो में ड्यूटी करें तो सारे के सारे पेपर्स हमेशा अपने पास रखें, मैं भी रखता हूँ, ठीक है दोस्तों। और लेकिन कभी कभी गलती से एक आध पेपर छूट जाता है घर में, ठीक, क्या कर सकते हो। तो जोमैटो डिलीवरी बॉय को ट्रैफिक पुलिस रोकती है, ठीक है दोस्तों, रोकती है। और अगर आपके पास पूरा पेपर अगर नहीं होगा तो आपका चालान भी बन सकता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए हमेशा हेलमेट पहनकर, बाइक का ड्राइविंग लाइसेंस, RC इंश्योरेंस और पोल्यूशन पेपर सब रखें अपने पास। जोमैटो डिलीवरी बॉय को ट्रैफिक पुलिस रोकती है, ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन मैं बच जाता हूँ। मैं ट्रैफिक पुलिस को बोल देता हूँ सर कि ऑर्डर में हूँ, बहुत जल्दी में हूँ सर, जाने दीजिए, तो वो जाने दे देता है। ये टेक्निक है बचने का, तो आप भी इस टेक्निक को आजमाएं। अगर कभी ट्रैफिक पुलिस ने रोक दिया तो उनसे कहें कि सर मैं ऑर्डर में हूँ, बहुत जल्दी में हूँ, तो वो आपको जाने दे देगा, लेकिन पेपर हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि अगर जाने नहीं दिया, अगर ट्रैफिक पुलिस ने आपको नहीं छोड़ा और पेपर दिखाने के लिए कहा और पेपर अगर आपके पास नहीं हुआ तो बहुत लंबा चौड़ा फाइन हो जाएगा दोस्तों। इसलिए पेपर हमेशा रखें, हेलमेट हमेशा पहने, ठीक है, क्योंकि आप हर बार नहीं बच सकते हो, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जब भी आप लोग कमेंट करते हो तो कमेंट बॉक्स में ये भी लिखा करिएगा कि दोस्तों आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हो, पंजाब से देख रहे हो, दिल्ली से देख रहे हो, मुंबई से देख रहे हो, हरियाणा से देख रहे हो या फिर राजस्थान से देख रहे हो। मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना दोस्तों कि आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देखते हो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखा सकूँ। तो ठीक है दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और आप लोगों का जो भी सवाल रहता है वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखा करिएगा। मुझे अगर सवाल का जवाब पता होगा तो मैं खुद दे दूंगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं अपने टीम लीडर से पूछकर आप लोगों के सारे सवालों का जवाब दिया करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि जोमैटो डिलीवरी बॉय को ट्रैफिक पुलिस रोकती है, और अगर पूरा पेपर आपके पास नहीं हुआ तो आपके ऊपर चालान भी बन सकता है। इसलिए आप हमेशा हेलमेट अपने पास रखें, हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाएं, और सारे के सारे पेपर, RC, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, पोल्यूशन सब अपने पास रखें, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू।